पैगंबर मोहम्मद विवाद में आया नया मोड़। इस्लामिक स्टेट ने दी भारत को हमले की धमकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में भारत। विवाद को लेकर तलब किए गए भारतीय राजदूत। नुपुर शर्मा, विवाद के बारे में अगर बात करें तो ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था और ये मुद्दा आज एक एजेंडा बनकर सामने आ चुका है। अभी तक तो देश में जगह जगह से दंगे फसादों और आगजनी की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक स्टेट के एक न्यूज बुलेटिन को दिए गए धमकी भरे भाषण के बारे में, जिसमें इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है। वहीं भाषण के बाद से कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध जताया है, जिसमें कुवैत, कतर और ईरान ने विवादित बयानों को लेकर भारतीय राजदूतों को तलब किया। वहीं खाड़ी के अहम देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद को लेकर दी गई टिप्पणी से नाराज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अपने मुखपत्र अल अजैम फाउंडेशन के जरिए एक न्यूज बुलेटिन शुरू किया था। बुलेटिन में नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर कई वीडियोस जारी किए गए थे और भारत में हो रहे प्रदर्शन और प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई का विजुअल भी दिखाया गया था। बुलेटिन की जानकारी देते हुए द खुरासान डायरीज ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपने फाउंडेशन के जरिए न्यूज बुलेटिन किया है, जिसमें पहली खबर जो दिखाई गई वो भारत और ईश निंदा पर केंद्रित थी। इस ट्वीट में बताया गया कि उस बुलेटिन में कई वीडियो शामिल किए गए थे, जिसको दिखाने के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति भी बनाई गई और धमकी देकर भारत को डराने की कोशिश भी की गई। अब इस तरह की धमकियों और दबाव के बाद भारत सरकार किस नतीजे पर पहुंचती है और भारत की सुरक्षा के क्या इंतजाम करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।